वाव वन टू एंड थ्री तो आपने देखा कि नमस्कार मैं शिवाजली और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम अभी मैं खड़ी हूँ पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर में और यहाँ पे साइंस डे के उपलक्ष में कई सारी नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है और साथ ही इस चीज़ों से बच्चों को साइंस के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगी सेंटर के ऑडिटोरियम में और यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेले के खिलौने ये जो प्रोग्राम है वो बच्चों को खिलौने के माध्यम से साइंस के बारे में बताने के लिए है तो आइए जानते हैं एजुकेशन स्टाफ मिस्टर आफ्ताब से इसके बारे में हेलो सर हेलो नमस्कार श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर हमने विज्ञान केंद्र में एक नए और अनोखे विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत की जिसका नाम है मेले के खिलौने आप नाम ऊपर देख सकते हैं इस विज्ञान प्रदर्शनी में इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने विज्ञान को बहुत ही सहज तरीके से बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की खिलौनों के माध्यम से जैसा कि आप अभी टेबल पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे खिलौने आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब बस डेमोन्स्ट्रेशन की कुछ पार्ट हैं जो हम आप हमने आपके समक्ष रखे हैं और इन्हीं खिलौनों के माध्यम से हम बहुत सारे विज्ञान के ऐसे नियम और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम विज्ञान के बारे में सुनते हैं वो हम आसान भाषा में बच्चों तक पहुंचाते हैं और हमें लगता है कि एक बहुत ही सहज और आसान माध्यम होगा विज्ञान तक बच्चों को पहुंचाना जी तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि खिलौने के माध्यम से हम साइंस को कैसे सीख सकते हैं सर जी तो इसके लिए मैं कुछ इसमें से कुछ खिलौने आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ रखता हूँ और मुझे उम्मीद है वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन का साइन है तो अगर मैं किसी से कहूँ कि आप इसको बैलेंस करो अपने हाथों पे तो अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस करता हूँ तो आप देखिए नहीं होती है ये गिर जा रही है लेकिन अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें इस पर कुछ वेट पुट करना होता है देना होता है तो मेरे पास फिलहाल एक बेल्ट उपलब्ध है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और हम बच्चे से ये पूछते हैं कि हाँ अगर आपको ये बैलेंस करना हो तो क्या करना होगा और बच्चे बड़े ही अचंभित रह जाते हैं कि ये कैसे संभव है तो हम बच्चों को दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास एक बेल्ट है और उसको हमने सिंपली इसमें पुट कर दिया ये इसमें मैंने मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है यस सर yes, ये बैलेंस कर चुका है ये बैलेंस हो चुका है और आप देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको बैलेंस कर दिया साथ ही साथ हमने बच्चों को ये बताया कि आप सेंटर ऑफ मास के बारे में कैसे एक छोटे से खिलौने के द्वारा समझ सकते हैं मास मात्रा हम सभी ने सुना है पढ़ा है लेकिन हर एक बॉडी की अपनी एक सेंटर ऑफ मास होती है जहां हम ये कहते हैं कि उस भी पूरे बॉडी का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है वो होगा या नहीं हम ये नहीं जानते तो हम ये भी देखते हैं उदाहरण स्वरूप कि जब हम कुश्ती लड़ते हैं तो हमारे शरीर की जो हमारे बीच का पेट का पार्ट होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास पाया जा सकता है इसीलिए हम कुश्ती में पेट को पकड़कर पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो एक उदाहरण था सेंटर ऑफ मास का इसके द्वारा आप लोगों ने खासकर जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं आप लोग अम्यूज़मेंट पार्क जरूर गए होंगे और वहाँ बहुत सारी राइड्स को आपने इंजॉय किया होगा तो उसमें एक राइड ऐसी भी होती है जहाँ पर एक राइड में आप गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं आपने ज़रूर देखा होगा वैसे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल एक किट के द्वारा एक खिलौने के द्वारा ये दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए जब मैं इसे पकड़कर एक बल की, एक फोर्स लगाता हूं तो देखिए क्या होता है तो जब मैंने ऊपर तो की, की, की लेकिन जब ये ऊपर गई तो हमें बल देने की जरूरत नहीं पड़ी ये खुद खुद ग्रेविटेशन के कारण नीचे की तरफ चला आया तो हम इस सिंपल किट के द्वारा एक तो ग्रेविटेशन को समझ सकते हैं दूसरा जब ये घूम रहा था तो ये एक रोटेशनल मोशन कर रहा था और लेकिन ये रोटेशनल मोशन एक लीनियर मोशन में ट्रांसफॉर्म हो रही थी ऊपर की तरफ ये जा रही थी तो हम इस छोटे से किट के द्वारा मोशन को भी आसानी से समझ सकते हैं अब इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हैं आपने अपने घरों में स्क्रीव जरूर देखा होगा उसको भी उसके अंदर भी देखिए ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं और जब आप उसको दीवार में ऐसे ठोक कर आप स्क्रू ड्राइवर से क्लाक वाइज घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो रोटेशनल मोशन है वो लीनियर मोशन में ट्रांसफॉर्म होती है और वो अंदर की तरफ चली जाती है तो ये खिलौना बहुत कुछ हमें समझा देता है अगर आप किसान हैं तो आपने खेतों में आर्किमिडीज स्क्रू का उपयोग ज़रूर किया होगा वो मशीन एक ऐसी मशीन है जो अगर कहीं जमीन नीची है और वहाँ पर पानी है तो वो ऊंची ज़मीन तक अगर आप उसको हैंडल से घुमाते हैं तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ऊपर की तरफ उठाती है और वो भी एक एग्जांपल है स्क्रू का ठीक है तो इस एग्जांपल के बाद मैं ये जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा बबल्स है ना बुलबुले सबके फेवरेट सबके फेवरेट चलिए मैं मैडम से कहूंगा कि आप खुद ही एक बार करें okay. और देखें कि क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है वाह ग्रेट तो आपने देखा कि किस तरीके से हम बबल बनाते हैं एक बार मैं और कहूंगा कि आप जरूर करें okay. <laughs> ताकि बच्चों को भी मजा आए देखने में तो आपने देखा कि इन्होंने बबल्स बनाए और ये हम अपने घरों में भी करते हैं जब हम डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो आप देखें कि बबल्स बनते हैं राइट तो बबल्स बनते हुए तो हमने देखा लेकिन उसके पीछे को क्या हमने साइंस को समझा कभी तो आप एक शब्द में आपसे कहता हूँ और आप उस पर ज़रूर थोड़ा उसके जानिएगा पढ़िएगा सरफेस टेंशन एक तरल पदार्थ या हवा की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में रिटेन करने में मदद करती है अब जब हमने इस पानी को ब्लो किया एक स्ट्रक्चर के माध्यम से तो हमने उसमें हवा डाली और उस पर जो थिन लेयर थी उसके अंदर हवा ट्रैप हो गई और वो एक गोले का शेप ले लिया क्योंकि एक सर्फ एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का सर्फेस एरिया हमेशा मिनिमम होता है अब वो मिनिमम एरिया गेन करना चाहती है इसलिए और जब एक्सटर्नल प्रेशर जो हवा में जो प्रेशर है जो फ्रिक्शन है उस लेयर को दबाने की कोशिश करती थी और जब वो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो बबल टूट गई तो इस प्रकार बबल्स बनते हैं और टूट जाते हैं तो ये एक एग्जाम्पल था सरफेस टेंशन का और आखिर में मैं एक छोटा सा खिलौना आपको और दिखाई देता हूँ ये कवर कर पाएंगे तो ठीक है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये बेहद मज़ेदार है आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय करें आपने हेलीकॉप्टर ज़रूर देखी होगी उड़ते हुए लेकिन उसके पीछे के साइंस को पता नहीं आप कितना समझ पाए हैं

मैं चाहूंगा कि ये मैडम ही करें आपको बस इसको छोड़ना है okay. जब मैं काउंटिंग करूंगा वन टू थ्री तब ओके okay? चलिए सीधा पकड़ना है फेस से थोड़ी दूर okay. और वन टू थ्री काउंट करने पे हम इसको छोड़ेंगे वन टू एंड थ्री तो आपने देखा कि आखिरकार ये उड़ ही गया और अगर हम सटीक तरीके से छोड़ते तो ये पूरा ऊपर तक जाता और इसमें हम देखते हैं कि जब हवा ऐसे निकली ऊपर की तरफ बाहर आई तो इस छेद से बाहर हवा निकली और पीछे में एक बैकवर्ड एक इक्वल प्रेशर जो फोर्स है वो लगा और आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है तो यहाँ पर भी वही हुआ एक हवा बाहर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करती है और पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको गोल गोल घूमने में मदद करती है और डैनियल बर्नौली सर ने हमें बर्नौलिस प्रिंसिपल के बारे में बताया कि हेलीकॉप्टर्स के जो ब्लेड होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ऊपर की तरफ थोड़ा एरिया ऐसे गोल घुमा हुआ है। है। होता है और हवा वहाँ से बहुत रफ्तार से गुज़रती है इस कारण वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और आसपास की हवा उसको भरने की कोशिश करती है और आस्ते आस्ते ये ऊपर लिफ्ट होता जाता है तो ये एक बेसिक सा साइंस था एक बेसिक एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा खिलौना जिसके द्वारा आप बन्दलिस प्रिंसिपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं तो आशा करता हूँ ये जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी सर थैंक यू सर आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सर जो ये मेले के खिलौने जो ये एक प्रोग्राम है ये किस दिन और किस टाइमिंग में स्टार्ट होती है देखिए विज्ञान केंद्र सातों दिन खुली हुई है ये मैं आपको बता दूं पूरे साल में तीन दिनों में होली और दीपावली ये दो दिन बस हम बंद रखते हैं बाकी सभी दिन ये खुली हुई है और जो भी स्कूल्स या जो भी कोई ग्रुप इसे देखना चाहते हैं वो विज्ञान केंद्र में प्रतिदिन आकर आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं और आप ये डेली देख सकते हैं सुबह शाम सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर छह बजे तक हम खुले हुए हैं ओके सर तो इस बीच वो कभी भी आ सकते हैं और इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है फिक्स टाइमिंग नहीं है लेकिन हाँ। इसके कुछ चार्जेस हैं जो आपको गेट पे ही पता चल जाएंगे अब बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे बच्चों को दिखाई जाती है क्योंकि हाँ। हम जानते हैं कि सब ग्रामीण इलाकों से भी बच्चे आते हैं तो हमने उसका ध्यान रखते हुए एक नॉमिनल फी रखी है ताकि ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आपको और कंसेशन मिल जाती है तो आप आकर इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं ओके थैंक यू सर थैंक यू के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मैजिकल नल है इस मैजिकल नल में पानी कहां से आ रही है ये काफी रहस्यमय बात है तो आइए चलते हैं और इसके पीछे के रहस्य के बारे में जानते हैं मिस्टर से सर मुझे बताइए कि इस मैजिकल नल की खासियत क्या है सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे बिहार वासियों के लिए ये कल ही इनगरेट किया गया है विज्ञान केंद्र में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के साइंस पार्क में और आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा है करीबन 12 फीट की इसकी ऊंचाई है और ये देखने में सच में आप जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही रहस्यमय रह लगता है ये अब इसकी खासियत ये है कि आप इसका कोई सोर्स नहीं देख रहे हैं आप बस इसको ये देख रहे हैं कि पानी गिर रही है तो इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा साइंस है जो आप अपने घरों में भी यूज़ करते हैं मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में मोटर का पंप का जरूर यूज़ करते होंगे पानी नीचे से ऊपर की तरफ टानते होंगे होता क्या है नीचे में यहाँ जहाँ गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसके नीचे एक वाटर पंप लगाई गई है अब उस पंप का कार्य क्या है वो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ टान रही है लेकिन टालने के लिए तो कुछ को ऐसा वे चाहिए जहाँ पे वो पानी को ऊपर तक टान सके इसके लिए वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगाया गया है थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे भाई ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगाई गई है और वो पानी नीचे से उस ट्यूब के अंदर ऊपर तक जा रही है अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये ट्यूब है तो इस ट्यूब के चारों साइड में ना छेद किए हुए हैं होल किए हुए हैं पानी अंदर से जाकर उस छेद के द्वारा बाहर गिर जा रही है तो ये लगातार चल रहा है आपको ये लग रही है कि पानी ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन पानी नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है। और तो 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 मैजिक, यहाँ पे पानी ऊपर से नीचे नहीं आके बल्कि नीचे से ऊपर जाके फिर वापस नीचे जा, नीचे जा नीचे रही है थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें इस साइंस के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानकारी देना धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने देखा कि इस श्री कृष्ण साइंस सेंटर में क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई और यहाँ पे यह भी बताया गया कि कैसे खेल खेल के माध्यम से हर चीज़ के पीछे साइंस छिपा होता है तो आप भी यहाँ अपने बच्चों के साथ आएँ और अपने बच्चे को दिखाएँ कि कैसे हर खेल में साइंस छिपी है ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम धन्यवाद